सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को सेहत से संबंधित वीडियो को लगातार देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर, आपको फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल क्वेश्चन वर्सेस आंसर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बहुत ही खास बातें लेकर आपके सामने आया हूँ जो कि हर एक इंसान को जान लेना चाहिए, वो है दांत दर्द का घरेलू इलाज। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि अगर किसी का दांत में दर्द हुआ तो उसका तकलीफ वो ही जानता है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा मेरे अगले सारी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दांतों की बहुत सारी समस्याओं में से असली समस्या है दांत दर्द। दांत दर्द के साथ मसूड़े फूलना, दांत की जड़ से खून बहना, मुंह में बदबू और कम उम्र में दांत गिरना, दांतों में कीड़ा पकड़ना जैसी समस्या हो सकता है। कभी कभी ठंडा खाने से झनझनाहट होता है या फिर दांतों का रंग बदलता है। दांत और मसूड़े की देखभाल ठीक तरह से ना किया जाए तो दांतों की समस्या होता है। और दोस्तों, मेन बात है कि ज़्यादातर लोग खाने के बाद मुंह नहीं धोता है, जिस कारण दांतों में खाना जमकर वहाँ जम पैदा होता है और फिर धीरे धीरे समस्या शुरू। दांत को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप दिन भर में कम से कम दो बार ब्रश करें। ब्रश करने के लिए आप नरम नीम डाल का इस्तेमाल करें क्योंकि नीम की डाल आपकी दांत और मसूड़ों को मजबूत बनाएगा और इससे आप दांत दर्द से भी छुटकारा पा सकते हैं। अमरूद और तुलसी का पत्ता को पीसकर पेस्ट बनाइए और उस पेस्ट से ब्रश कीजिए, आपका दांत दर्द दूर हो जाएगा। पान पत्ता भी दांत दर्द दूर करने के लिए मदद करता है। आप कच्चा जीरा को चबाकर खाइए क्योंकि जीरा में उपस्थित एंटी माइक्रोबियल दांतों की जम्स को मार डालता है। दांत दर्द के लिए लौंग का तेल सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। लौंग तेल में उपस्थित एनाल्जेसिक गुण दांत दर्द को साथ साथ ही दूर कर देता है। और हाँ, ये तेल ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल नहीं करे तो अच्छा है। लहसुन को पेस्ट बनाकर दांत दर्द की जगह पर लगाने से या फिर थोड़ा सा लहसुन चबाकर खाने से दांत दर्द दूर होता है। दांत दर्द में अगर खून निकले तो थोड़ा सा हींग आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको आराम मिलेगा। सरसों का तेल में नमक मिलाकर दांत की जड़ में मालिश करने से दांत दर्द से छुटकारा मिलता है। आप नमक की जगह हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो खाना खाकर आपका दांत में दर्द होता है वो वाला खाना बिल्कुल ही ना खाएं। रेगुलर दो बार ब्रश कीजिए। माउथ वॉश का हिसाब में आप कर्पूर का पानी इस्तेमाल करें और नीम की डाल से ही ब्रश करें। दांत को स्वस्थ बनाए रखने के लिए विटामिन डी और कैल्शियम वाला खाना आप खाएं। अगर आप मीठा खाते हैं तो साथ साथ मुंह को अच्छा से धो लीजिए। और हाँ दोस्तों, आप रेगुलर फ्रूट और वेजिटेबल को चबा चबा कर खाइए, इससे आपका दांत अच्छा रहेगा और मजबूत रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और एक शेयर करके अपने दोस्तों को भी देखने का मौका कर दीजिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। और दोस्तों, ऐसी ही वीडियो लगातार देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप ही को मिलेगा। तो मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिएगा, तंदुरुस्त रहिएगा। अब मैं चलता हूँ, नमस्कार।